फोर्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके हिंदी रीडर का लेसन वन लेके आई हूँ, वही जो हमने पिछले क्लास में करा था। ये देखिए, ठीक है, ये हमने पढ़ा था और हमने कुछ होमवर्क दिया था आपको, कुछ गृह कार्य दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं करा होगा तो नो प्रॉब्लम। अब आप ये देखिए, आप कर लेना आप इसको देख कर, ठीक है। ये देखिए, मैंने कठिन शब्द दिए थे आपको, ये वाले कठिन शब्द आपको कॉपी में करने थे। ये देखिए, शब्द दर्द दिए थे, वर्ड मीनिंग देखिए, पढ़कर बता रही हूँ। किरने सूर्य की, रेशमिया सनराइज, अंधकार अर्थ इसका अंधेरा डार्कनेस, ठीक है। जग संसार दुनिया वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए, प्रात का सुबह मॉर्निंग, भली अर्थात अच्छी नाइस, दुर्गुण बुरा आचरण बैड मैनर्स। ये आपको हिंदी की कॉपी में करना है, ठीक है। अब देखिए, अभ्यास सारे का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपको बुक में करना है। देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। कहा देखिए, सूरज से हमें क्या मिलता है बताइए, अंधकार प्रकाश उदासी। हमें सूरज से प्रकाश मिलता है, तो यहाँ पर प्रकाश पर आपको टिक करना है। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठंडी ठंडी हवा कैसे लगती है। ऑप्शन देखिए इसका, बुरी बेकार सुहानी। तो ठंडी ठंडी हवा हमें सुहानी लगती है, तो हम सुहाने पर राइट का निशान लगाएंगे। देन थर्ड देखिए, सुबह किन लोगों को प्यारी लगती है, मेहनती आलसी दोनों के। अब देखिए, ये वाला कार्य भी आपको बुक में करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ, ठीक है। ये वाला कार्य आपको ओनली बुक में ही करना है। देखिए, कहा देखिए, सुबह उठकर हमें ताजगी का एहसास होता है। यहाँ पे देखिए राइट का निशान, राइट लगाइए, ओके। देन सेकंड देखिए, सूरज की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं, राइट, राइट का निशान लगाएंगे। देन आगे देखिए, गांव में हमें आलसी होना चाहिए, नो, हमें रॉन्ग का निशान यहाँ लगाना है। देन लास्ट देखिए, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, यस, यहाँ पे राइट का लगाएगा कि हाँ, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विसर्ग लगाकर इन शब्दों को पूर्ण लिखिए, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाए तो नो प्रॉब्लम। अब आप इस कार्य को ध्यान से देखिए और ये वाला कार्य आपको कॉपी में करना है, ओके। देखिए, आते ये वाला आते, ये आपको विसर्ग लगाना है। ये देखिए, प्राय नम फलत, ये देखिए देखिए रात, ये सब आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाक्य बनाइए। कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं, ओके। ये वाला काम आपको बुक में ही करना है। देखिए, यहाँ पे दिए कलियाँ, तो यहाँ मैंने वाक्य ऑलरेडी बना रखे हैं। आप ये भी लिख सकते हैं और अपने माइंड से दूसरे भी बना सकते हैं। देखिए, कलियाँ बनाया, फूलों की कलियाँ खिल गईं। देन सेकंड देखिए, सुहानी लिखा हुआ है, ठंडी हवा सुहानी लग रही है, सुहानी लग रही है। देन लास्ट देखिए, गुण, मेहनत सबसे अच्छा गुण है। ये वाला कार्य आपको बुक में ही करना है। और अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैंने आपकी कॉपी में लिख दिए हैं। देखिए, पहले ये आपको कॉपी में काम करना है। पहले आप देखेंगे, पार्ट 1 डालेंगे रीडर का, प्रश्न उत्तर डालेंगे, होमवर्क डालेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन उतारेंगे, आपकी बुक के अंदर है, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिया आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कलियाँ कब खिलती हैं,
इसका आंसर देखिए, जब सुबह सूरज की किरणें आती हैं तब कलियां खिल जाती हैं। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, चिड़ियों का स्वर कैसा लगता है, क्यों? इसका आंसर देखिए, चिड़ियों का स्वर मीठा लगता है क्योंकि सब चिड़ियां मिलजुल कर एक साथ मीठा गाती हैं। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, इस कविता से आपने क्या सीखा? अब इसका आंसर देखिए, देखिए इसका आंसर, इस कविता से हमने ये सीखा कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और अपना सारा काम समय पर ही करना चाहिए। आई होप आपको ये क्लास में आज अच्छा लगा होगा, ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर सही से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप इसको ज़रूर कर लेना। ओके, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।